Namaskar and welcome to India Narrative. My name is Aditi Naqpal Girotra. We always bring to forth important and contemporary issues persisting in India and around the world. और आज भी हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही important topic पे जो है गिलगित-बल्तिस्तान में होने वाले elections. तो आपको पहले बता दें गिलगित-बल्तिस्तान के बारे में. गिलगित-बल्तिस्तान under the illegal occupation of Pakistan will witness third time so-called legislative assembly elections on 15th of November 2020. The first elections for the legislative assembly were held on 12th of November 2009. Interestingly, Gilgit-Baltistan Legislative Assembly has been changed into Gilgit-Baltistan Assembly by the Ministry of Kashmir Affairs and Gilgit-Baltistan on 1st June 2018. The Prime Minister of Pakistan has the authority to veto any law made by the Gilgit-Baltistan Assembly. An estimated 6 lakh people will exercise their right to elect 24 legislators of 33 constituencies, whereas 6 seats are reserved for women and 3 for technocrats. So over 200 political activists of occupied Gilgit-Baltistan are serving jail or facing terrorism and treason charges. Baba Jan is serving 71 years. Court has not responded to his appeal in 5 years. So we are going to discuss all these matters and points with Maria Iqbal Tarana, who's our guest today and who's a former vice chairperson, Pak People's Party Youth Wing, and former chairperson, Commission of Women, AJK. Maria, a very warm welcome to you. बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए. तो मरिया जी बताइए, आप इमरान खान की गवर्नेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगी? जी, उसमें सबसे पहले तो ये है कि अभी आपने देखा कि जैसे आपने पूरी तफसीलात दी अपने सामाईन को और नाजरीन को कि 15 नवंबर जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, और ना सिर्फ रीजनल, इस वक्त सबकी नजरें गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शंस पर हैं, बल्कि पाकिस्तान का भी आपने देखा कि माजी में जो था वो कुछ चंद पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज थी, पर इस दफा गिलगित बल्तिस्तान में 3 मेजर पाकिस्तान की जो पार्टीज हिस्सा ले रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और तहरीक इंसाफ. माजी में हमने देखा कि यही जो पॉलिटिकल पार्टीज की कम कंपटीशन था, वहाँ के जो लोग थे जाहिर है उनकी बहुत अरसे से जो पाकिस्तान के साथ एफिलिएशन है, मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी, स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 2013 में पूरी जो थी फाइनेंशली और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को. अगर हम अभी देखें अदिति, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और PMLN का भी इसरार यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए गिलगित बल्तिस्तान में, और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए विद देयर ऑल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली. आपने देखा कि वहां पर लोग जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, बाहर आते हैं, अगर कभी भी कोई मसले मसाइल हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी से हैं, सॉरी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, तो वो इन चीज़ों को जो है इजहार जरूर करते हैं, और देयर वॉइसेस नेवर बीन फॉलन ऑन डेफ ईयर. जहाँ तक आप बात कर रही थी अभी पॉलिटिकल जो प्रिजनर हैं वहाँ पे उनकी, तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताती चलूं कि वाकई में ये कुछ जाहिर है जितने भी ट्रू डेमोक्रेट्स हैं वो इस चीज को कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं, इस चीज का साथ कभी भी नहीं देते हैं. वहाँ के जो लोग बाहर प्रोटेस्ट में बैठे भी हैं, और पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर में भी और दुनिया जहान में जहाँ पर भी लोग जमहूरियत पसंद हैं, वो इस चीज़ को काबिल मजम्मत समझते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं उनको इस वक्त में, जबकि हर बंदे को एक आज़ादी है कि वो इलेक्शन में हिस्सा भी ले और उसका हिस्सा भी बने और लोगों की रहनुमा जो है नुमाइंदगी भी करे. तो ये एक चीज है, मगर वही बात है कि हमने देखा कि रीजन में बहुत सारी आवाजें लोग उठा रहे हैं इस बारे में भी. तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि गिलगित बल्तिस्तान की जो एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट है वो इस मसले को हल करने के लिए बात जरूर सुनेगी, आवाज जरूर सुनेगी. जी, मगर ये आपने जो कहा कि बहुत से लोग सड़कों पे उतर आए हैं, thousands of people have taken to streets, you know, protesting against atrocities by Pakistan government and army, and to free their social activists and political leaders like Baba Jan. What would be the impact of this kind of strong opposition? इतना massive opposition जो है, इतना massive जो protest हो रहा है, आपको क्या लगता है इसका impact क्या होगा? क्या leaders को छोड़ दिया जाएगा? क्या ये जो गिलगित बल्तिस्तान को 5th province बनाने की बात चल रही है, इसे दबाया जा सकेगा? What's your take on that? अदिति, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करती चलूँ यहाँ पर, it's not against Pakistani government or it's not against Pakistani army. Actually this protest, वो तो अपने जब घर का मसला होता है गिलगित बल्तिस्तान में, आपको बहुत क्लियरली बताती चलूं कि मेरा नहीं ख्याल कि कभी हमने वफाक में भी इस तरह की इंटरफेरेंस जो है वो देखी हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान में उस तरह से। वहां पर अपने नमाइंदे हैं जो लोगों को बहुत सालों से रह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि कोई डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं है कि कोई सिंध से या पंजाब से या कहीं से और आकर जो है वो वहां पर जो है हुकूमत कर रहा है। बात यही है कि अगर वहां पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के मसले हैं या अपने मसले हैं गिलगित बल्तिस्तान की, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट के बारे में है, अपने ही नुमाइंदे जो उन्होंने मुंतखब किए हैं उनसे गिले शिकवे हैं। वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हरगिज नहीं है, वो पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट हरगिज नहीं है, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं अगर वो बाहर निकलते हैं, बिकॉज दे हैव अ फुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली इन देयर ओन टेरिटरी। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, पर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान को 5th प्रोविंस का स्टेटस ग्रांट करने की बात चल रही है, उस पे आप क्या कहेंगी? उसमें तो देखिए, मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत क्लियर नैरेटिव देना चाहती हूँ कि हमारा हमेशा से नारा यही रहा कि हाय शुमारी राय शुमारी, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। पाकिस्तान का मेरा ख्याल है कि कभी कोई इस तरह के कोई किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट या कहीं से कोई एक सजेशन जरूर आया होगा, बट डेफिनेटली जो है वो अभी ऐसा कोई चीज सामने नहीं नजर आ रही। जब तक सामने नजर नहीं आएगी, मेरा ख्याल है कि बात करना भी अजीब सा लगेगा, क्योंकि अभी कोई ये डिबेट ऐसी है नहीं है। आपने थोड़ा बहुत देखा सोशल मीडिया पे ये डिबेट आई, पर अभी तक हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के या उनकी कैबिनेट से या असेंबली के फ्लोर से अभी तक कोई ऐसा बात नहीं सुनी जिसमें गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाने के लिए कोई एक नारा लगा हो या कोई एक सजेशन दिया गया हो। तो मेरा ख्याल है कि हम इसको पहले से जो है एक डिबेट खुद से करना अजीब सी बात है। ठीक है मारिया जी, मगर जो फॉर्मर पीएम है पीओके के सरदार आतिकी अहमद खान, उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान जो है यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन को वायोलेट कर रहा है। उनका कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है, ना कि पाकिस्तान का। आप इससे सहमति रखती हैं? जी बिल्कुल अदिति, देखिए जो भी जमहूरियत पसंद है, आप तारीखी जो अहमियत है गिलगित बल्तिस्तान की, आज़ाद कश्मीर की और जम्मू एंड कश्मीर की, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और आप उसको जाहिर है कि किसी भी पोजीशन पे हो, आपको वही हकीकत और वही तारीख बतानी होती है जैसे कि सरदार अतीक साहब ने बताई है कि भाई ये जो मतनाज़ा इलाके हैं इनमें यूनाइटेड नेशंस में ये केस जा चुका है, यूनाइटेड नेशंस की करारदाद के मुताबिक राय शुमारी होना इन इलाकों में बहुत जरूरी है। वो उसके लिए जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक टेबल पर आकर इन चीजों को, मसलों को हल करना चाहिए। जाहिर है सरदार अतीक साहब जो हैं वो 2 दफा आजाद कश्मीर में के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उन्होंने नुमाइंदगी की है और बेहतर जानते हैं। ना सिर्फ उन्होंने, उनके वालिद साहब भी आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रहे। तो वही बात है कि जो भी इंसान, हम अपनी तारीख से, हम अपनी इन चीजों से डिनाई नहीं करते हैं, जो हकीकत है मेरे ख्याल है उसी को लेकर चलना ना सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के लिए, बल्कि ज्यादा आसानी होगी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए, आजाद जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए। Maria ji, you know, the Chinese constructed Karakoram Highway runs through the region of Gilgit-Baltistan, you know, paving the way for multifaceted alliance with West Asia. So, क्या हम कह सकते हैं, would it be safe to say that, you know, Pakistan is trying to strengthen its ties with China by, organizing these polls, which, are strongly condemned by the people of Gilgit-Baltistan and the world, I'd say. अच्छा, उसमें ये है कि देखें, पाकिस्तान के जो चाइना के साथ ताल्लुकात हैं वो तो बहुत पुराने हैं, और रीजन में मेरे ख्याल से अगर कुछ जो सबसे ज्यादा ताल्लुकात पाकिस्तान की जब भी मुश्किलात में रहे तो चाइना के साथ ही बहुत रहे। अब हर कंट्री का अपना एक इंटरेस्ट होता है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस एंड वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस के आज जो ताल्लुकात हैं वो मुल्कों के वो अपने ही फायदों के लिए होते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा कि अब हम अमेरिका को बहुत बड़ी सुपर पावर कहते हैं, अगर अमेरिका हिंदुस्तान के लिए आकर इन्वेस्ट करता है, हिंदुस्तान की हिमायत करता है, मोदी सरकार की बहुत सी बातों पर चुप रहता है, तो वहां पर हम देखते हैं कि अमेरिका के भी अपने इंटरेस्ट होते हैं। अब रीजन में जैसे कि चाइना है, चाइना को इस वक्त अगर वाकई में पाकिस्तान और चाइना की जो मायदे थे वो सीपैक से ही शुरू हुए थे, उससे पहले भी बहुत सारी चीजें थी जिनमें चाइना जो था वो हमेशा पाकिस्तान के साथ होता था, मगर ये है कि आज जब हम सीपैक की बात करते हैं तो आई एम श्योर कि इट विल ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नॉट ओनली टू पाकिस्तान बट द पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, एंड आई एम श्योर इट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द रीजन एज वेल। तो मेरा ख्याल है कि जब कुछ रीजन के अंदर कुछ इस तरह की प्रोजेक्ट्स चल रहे हों जिससे बाकी भी मुल्कों को, हमारे नेबरिंग कंट्री को भी बेनिफिट हो, तो आई एम श्योर इन 21st century we must think a bit differently. तो लोगों ने इस चीज को, जाहिर है इस प्रोजेक्ट को जरूर इसको वेलकम करते हैं, मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग हैं जो इसके अगेंस्ट हैं, और people know कि it will bring economic prosperity not only to Pakistan but also a region too. No, Maria, but given the uproar in Gilgit-Baltistan, जो वहाँ पे हंगामा चल रहा है इस वक्त, उस और हंगामा इस बात पे है, इलेक्शंस को लेकर है, पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर है जो बंद हैं, और इतना मेजर लेवल पे ये सब कुछ हो रहे हैं प्रोटेस्ट। सो सुनने में ये आ रहा है, आपने कहा कि हम इस बारे में बात डिबेट तभी करें जब ये एक्चुअली में बात सामने आए। अभी सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक लिमिटेड है कि 5th प्रोविंस बनाने की बात चल रही है, और ये आप कह रही हैं कि शायद ये अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो ओवरऑल मसला है, क्या ये इस वजह से भी हो सकता है, क्या गिलगित बल्तिस्तान के लोग इसलिए भी प्रोटेस्ट कर रहे हो सकते हैं कि ये इलेक्शंस ना हो, क्योंकि वो सोचते हैं कि चीन जो है अपना लद्दाख का बदला पाकिस्तान को उकसा कर रहा है? नहीं, मेरा देखिए, अभी अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं और मैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की अगर बात करूं, जैसे कि हम यहाँ पर रहते हैं, हमारा उनसे मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है, तो ऑफ कोर्स दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हम, क्योंकि पाकिस्तान की ही गवर्नमेंट ने इस चीज को बहुत अरसे, इस मुद्दे को बैक बर्नर पर रखा, बिकॉज दे न्यू कि यूनाइटेड नेशंस की करारदाद के मुताबिक ये नहीं हो सकता कि हम इस रीजन को अपना एक हिस्सा बना लें। अगर कहीं पर कोई डिबेट ऐसी चल रही है तो वो मेरा ख्याल है कि उस डिबेट को कवर करने के लिए है जो कि हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को किया, क्योंकि जब इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, फिर उसके बाद लद्दाख में की हैसियत ऑटोनोमस खत्म कर दी गई, तो मेरा ख्याल है कि उस डिबेट को थोड़ा सा मध्यम करने के लिए, जो मुझे लगता है क्योंकि ये दोनों मुल्कों की हुकूमतों के दरमियान में इस तरह से चलता रहता था, उस चीज को मुझे तो थोड़ा सा ये लगता है कि करने के लिए ये एक डिबेट उठा दी गई है कि भाई 5वां सूबा बना दिया जाए। मगर बात जो ऑन ग्राउंड है वो ये है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो बहुत अरसे से पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी से डिमांड करते हैं कि बेशक उनकी रियासत का एक ऑटोनोमस स्टेटस है पर उनको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये उनकी तकदीरों के लिए एक बेहतर चीज होगी। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो वफाक है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वहां पर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, और बाकायदा जो है वफाक के अंदर एक बहुत जो चीजों को जो बेहतर की जा सकती है गिलगित बल्तिस्तान के ना सिर्फ लोगों की बल्कि उस पूरे रीजन की एक जो हैसियत है उसको चेंज करने के लिए ये जरूरी है। पर आई एम श्योर के जो लोग तारीख को समझते हैं, जो लोग इन चीजों को समझते हैं, उनको पता है कि इस इकदाम से जो है वो जो हमने यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के सहारे बहुत सारे लोग जो है वो 71-72 साल से बैठे हैं, तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान का भी जो है वो थोड़ा सारा एक तारीख में मेरे ख्याल है गैर यकीनी सूरत हाल आएगी, क्योंकि वही बात है कि आप एक बहुत बड़े रीजन के लोगों के साथ एक फॉल्स प्रॉमिसेस पे नहीं रह सकते हैं बहुत अरसे कि आप उनको उनकी तकदीर का ये बताते रहें कि हम आपकी तकदीर का हिस्सा जो है वो यूनाइटेड नेशंस के करारदाद के मुताबिक होगा और एक दिन वन फाइन डे एवरीबडी विल वेक अप विद अ डिफरेंट स्टेटस। आई थिंक पाकिस्तान का अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। मरिया जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सिंस यू आर वेरी एक्टिव इन टेकिंग अप वुमेन इश्यूज, व्हाट स्टेटस वुमेन एंजॉयड इन बोथ द रीजंस, particularly in rural areas? Okay, we have 5 reserved seats actually for a woman, but they can also participate in general elections as well in Azad Kashmir. अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक साबका डिप्टी स्पीकर हैं जिन्होंने पिछले दिनों पिटीशन दायर की थी कि रिजर्व सीट से जो है वो खवातीन की नुमाइंदगी ज्यादा होनी चाहिए। बट आई बिलीव के जनरल जो इलेक्शंस हैं उनमें खवातीन को जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमारे यहाँ पिछली दफा भी आजाद कश्मीर में 3 खवातीन थी जिन्होंने जनरल इलेक्शंस में हिस्सा लिए। अनफॉर्चुनेटली 1 वुमन लॉस्ट एंड 2 वॉन एंड दे आर पार्ट ऑफ दिस हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आई थिंक टाइम्स आर बीन चेंजिंग, वुमेन हैव रियलाइज्ड दे हैव टू बी शोल्डर टू शोल्डर विद देयर मेन एज वेल, नॉट ओनली पार्टिसिपेटिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बट आल्सो इन पॉलिटिकल अरेना एज वेल। तो अभी जो है ऑफ कोर्स आने वाले टाइम के साथ जस्ट गिव सम फ्यू मोर इयर्स यू विल सी इंशाल्लाह वुमेन विल बी रूलिंग बोथ ऑफ दिस स्टेट्स। एंड यहाँ पर मैं बताती चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही मिसेस ताजवर थी जिनको पहली गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान जो था उनको एजाज हासिल हुआ, पहली खातून, और वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही जो था वो खातून को नुमाइंदगी दी बाकायदा गिलगित बल्तिस्तान की एज अ गवर्नर हेड होने की। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और इन सभी मुद्दों पे रोशनी डालने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच एदिति फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। आई एम सो सॉरी इंटरप्शन की वजह से बहुत सारी चीजें मिस होगी, बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, नो वरीज एट ऑल। शुक्रिया बहुत बहुत आप सभी का, दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे विदा लेना चाहेंगे और अगली बार आपसे फिर से मिलने की कामना करते हैं। गुड बाय एंड सी यू। थैंक यू।